दोस्तों, ये बॉक्स देख के आप समझिए कि आज मैं किस चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। दोस्तों, ये Redmi का नोट 11 प्रो प्लस 5G। आपने जितने भी Redmi के सीरीज नोट सीरीज देखे हैं, उसमें से सबसे बेस्ट सीरीज में यही फोन आता है। और मालूम है तेरे बाप को, मैं सिखा अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसका डिटेल रिव्यू भी देने वाला हूँ कि इस फोन में क्या क्या बेस्ट है और इसे मैंने किस लिए परचेस किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं? दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें। तो बॉक्स के ऊपर Redmi Note 11 Pro Plus 5G का नाम लिखा हुआ, साथ ही साथ आपको इसमें 5G देखने को मिलता है और इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है ये MI का Redmi Note 10 Pro Plus 5G। बॉक्स के साइड में कुछ और भी मेंशन किया हुआ और बॉक्स के पीछे देखने को आपको मिल जाता है Snapdragon 695 Truly 7 5G बैंड, इसमें देखने को आपको मिलता है। साथ ही साथ 120Hz का डॉटेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जा रहा है और साथ ही साथ 67W का टर्बो टेक्नोलॉजी वाला फास्ट चार्जर। साथ ही साथ बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाते हैं दोस्तों इसका भीतर में क्या है, और इसको मैंने पहले ही ओपन करके देख लिया था दुकान में। तो सबसे पहले ऊपर में कुछ इस तरह का एक सेक्शन रखा हुआ है जिसके भीतर एक कवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कवर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर में आपको सिम रिजेक्टर टूल, आपको सिंपल सा सिम रिजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें एक सिलिकॉन कवर है। इसका कवर का क्वालिटी देखते हैं दोस्तों किस तरह का। तो दोस्तों, इसका कवर का क्वालिटी कुछ इस तरह का है जो बाद में पीला हो जाता है, आपको तो पता ही होगा। तो इसको रखते हैं साइड में। अब देखते हैं दोस्तों इसके भीतर और क्या है। दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हो मैंने मोबाइल को खोल के रखा है, फिर से मैंने उस तरह ही भर दिया था, तो इसलिए प्लास्टिक आप देख सकते हो किस तरह का। तो पहले मोबाइल को साइड रखते हैं, उसके बाद देखते हैं नीचे में और क्या दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स के भीतर एक 67W का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसमें चार्जर दिया, यही बहुत बड़ा बात है। इसका चार्जर बहुत ही फास्ट चार्ज दिया और ये कुछ टिपिकल ऑरेंज कलर का इसका USB दिया हुआ टाइप सी करे। और इसका जो चार्जिंग केबल है ये बहुत ही बेहतरीन केबल, इसका जो क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों और भी बेहतर क्वालिटी है। प्लस इसमें भी वो ऑरेंज कलर का दिया हुआ है और जो टाइप सी का क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है और प्लस इसका साइज लंबा है। और इसमें देखते हैं बॉक्स में क्या है। दोस्तों, बॉक्स में और कुछ नहीं, बात कर लेते दोस्तों सबसे पहले मोबाइल की। तो मोबाइल कुछ इस तरह का आता है, इसका पीछे ग्लास दिया हुआ, ग्लास पैनल दिया हुआ और इसमें ग्लेजिंग बहुत ही बढ़िया ग्लेजिंग। और दोस्तों, इसका जो बैक है वो सॉलिड है और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है। उसका इसका जो वेट का बात करते हैं, वेट बहुत ही अच्छा वेट दिया हुआ है, इसमें एक भारी वेट है। और सामने आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पीछे के बैक में आते हैं तो 108 MP कैमरा दिया हुआ जाता है, मेन कैमरा 2 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो, ये AI कैमरा दिया हुआ है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं साइड के। साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है आपको, पावर अनलॉक बटन और भी बहुत सारे इसमें दिया हुआ। और इसमें आप अनलॉक करने के लिए कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया। और पीछे स्क्रीन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, स्क्रीन आपको डॉटेड 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया हुआ है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ और साइड आपका पूरा क्लीन है। ऊपर की बात कर लेते हैं तो आयर प्लास्टर, एक माइक और स्टूडियो स्पीकर दिया और हेडफोन जैक इसमें दिया हुआ। दोस्तों, हेडफोन जैक मिल गया, ये बहुत बड़ा बात है। बात कर लेते दोस्तों सबसे नीचे की, और इसमें टाइप सी का चार्जिंग दिया ऑप्शन, माइक, फिर स्टूडियो। दोस्तों, कुछ इस तरह का Redmi Note 11 Pro Plus 5G का ग्लास बैक है। इसमें जो दिया हुआ इसके बैक ये पूरा ग्लास का दिया हुआ है, प्लास्टिक ग्लास दिया हुआ है। और फ्रंट में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का स्क्रीन है, यहाँ डॉटेड दिया हुआ और साइड में मैंने आपको ही पहले ही बता दिया, मगर जो इसका जो ये दिया हुआ है कैमरा का, ये हिंच दिया हुआ है जो उठा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि सा लगता है। इसे अगर मैं आपको रख के दिखाता इस बॉक्स के ऊपर तो देखो कितना ही ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है ये। तो दोस्तों, इसका यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, बाकी ये जो मोबाइल है ये बहुत ही बेहतर मोबाइल है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी के साथ आता है। इसका जो क्वालिटी है पूरा ग्लास का क्वालिटी दिया हुआ है और प्लस जाके इसका जो कैमरा दिया, उसका कैमरा आज मैं टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो किस तरह का कैमरा क्वालिटी इसमें दिया हुआ है। और इसका बहुत सारा को फोटो क्लिक करके भी मैं दिखाने वाला। तो आप देख सकते हैं एक वीवो एक्शन प्रो, एक दूसरा फ़ोन जो अभी अनबॉक्सिंग किया वो फ़ोन, तो आप कैमरा क्वालिटी का डिफरेंस आप देख के समझ सकते हो कि किसका क्वालिटी कैसा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए।